यशोमति मैया के नंदलाला। साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं? सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। आरंभ करो। आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बल, दाव का बल। दाव, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इसे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। Thank you.
करना सखा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई दो गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई दो गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में समान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज, गुटली गिन के हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी, बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध घी माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो, दो गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को दो गुना लाभ हुआ है आज, पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। जी नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने, प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी, पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। काना, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? दाऊ मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी। यशोदा, यशोदा जी आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक की सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। वैसे तो जब कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है
वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए, ना तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूँ। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो यहाँ चली आई, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्य के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा, दाऊ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ, पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुपके माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे वो क्या होता है? भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वो ही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे काना ने मेरी मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि खाना सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगतो। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं? सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी के घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है वानर महाराज भी हमारी टोली
कमली छोड़ना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी चोर विद्या प्रसारण टोली। और काना तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष। और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। चोर विद्या प्रसारण टोली की जय। चोर विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो, क्या करना है और कैसे? आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब बाहर छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिपचोर। इतनी ऊपर टांग रही हो मासी? कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो? तो भी बावली हो गई है सावित्री, कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना, जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ।
या फिर जी सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं काना के साथ? क्या जान के सत्य कह रही थी? काना यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जा रहा है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहे जैसे कर रहे मुझे करने देना चाहिए।